Hello friends, I am your host Narde Badwal. Welcome to my channel Narru'sAutoVlogs. दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2019 महिंद्रा TUV300 का T10 वेरिएंट. बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल Narru'sAutoVlogs. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की. इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके ग्रिल बिल्कुल जीप कंपस से रिजेंबल करते हैं. ग्रिल को स्मोक क्रोम इंसर्ट्स के साथ पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है. सबसे नीचे न्यू स्किड प्लेट दी गई है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को और भी बढ़ा देते हैं. हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्मोकी हेडलैम्प्स प्रोवाइड की गई है. ठीक उसके नीचे आपको TRL भी मिलते हैं जो कि ओल्ड वेरिएंट में नहीं मिलते थे. बात करें फॉग लैंप्स की, यह पहले की तरह एज इट इज़ स्क्वायर शेप में क्रोम इंसर्टेड दी गई है. अगर हम लुक की बात करें तो यह पहले से ज़्यादा माचो और स्टनिंग लगती है. अगर हम चारों ओर देखें तो इसमें बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो कि ओल्ड वर्जन में नहीं दी गई थी. इसमें 15 इंच के स्मोकी 10 स्पोक्स अलॉय व्हील आते हैं जिनका साइज़ है 215/70R15. जहाँ तक इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर एमहॉक 100 डीजल इंजन आता है जो कि 3750 RPM पे 100 BHP की पावर एंड 2800 RPM पे 240 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है. डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ 3995 mm, विड्थ 1835 mm, हाइट 1826 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm, व्हील बेस 2680 mm दी गई है. टेल लैम्प की बात करें तो इसमें ट्रांसपेरेंट और क्रोम इंसर्टेड टेल लैम्प दी गई है जो कि बहुत ही शानदार इसको लुक दे देती है. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्पेयर व्हील कवर को फ्रेश लुक दी गई है एक्स शेप्ड जो कि ओल्ड वेरिएंट के कंपेयर बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. और इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के ठीक नीचे स्लोगन लिव यंग लिव फ्री दी गई है और जस्ट इसके नीचे T10 की वेजिंग प्रोवाइड की गई है. उसके नीचे बम्पर पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आपको रियर पार्किंग कैमरा प्रोवाइड की गई है. रूफ पे बहुत ही स्टाइलिश रूफ रेल्स दी गई है और ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही एनहांस कर देती है इसके लुक को. टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर पे मिलेंगे. आइए चलिए इंटीरियर की बात करें तो हमेशा की तरह फ्रंट डोर की बात करें तो इसमें फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं सिल्वर इंसर्ट्स के साथ. बीच कलर में बहुत ही शानदार फ्रंट डोर की लुक आ रही है और इसमें 1 लीटर वाटर होल्डर आपको ज़रूर मिलते हैं और कुछ स्पेस मिलते हैं. आइए चलिए राइट साइड कुछ कंट्रोल्स की बात करें तो इसमें ORBM के कंट्रोल्स मिलते हैं, इको मोड के कंट्रोल्स मिलते हैं और लाइट के बीम हाई लो के कंट्रोल्स मिलते हैं. नीचे डेड पेडल देना चाहिए था, उसमें डेड पेडल नहीं दी गई है. आइए बात करते हैं सीट्स की. सीट्स कवर लेदराइट ब्लैक एंड बीज कलर में दी गई है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है. सीट्स को आप रिक्लाइन और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं. हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको मिलने वाले हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है. यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको नहीं मिलने वाले हैं. यहाँ पे इंडिविजुअली आर्म रेस्ट दी गई है जो कि एक प्लस पॉइंट है. इसमें टिल्टेबल स्टीयरिंग आते हैं जिसमें लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं. बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की. इसमें लेफ्ट साइड RPM मीटर, राइट साइड स्पीडोमीटर और बीच में MID प्रोवाइड की गई है. अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की. इसमें 17.8 सेंटीमीटर का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है. इसमें 2 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स आते हैं. इसमें ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीज कलर की डैशबोर्ड दी गई है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है. और इसके AC वेंट्स में आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलेंगे और कोर्ट पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मीटर प्रोवाइड की गई है. बीच में आपको
कैबिन लाइट्स प्रोवाइड की गई है और ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं की गई है। कैबिन लाइट के साथ यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी होना चाहिए था, जो कि एक माइनस पॉइंट है, इसमें नहीं दी गई है। और इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आते हैं, इसमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नीचे 12 वोल्ट का चार्जर्स दी गई है और साथ में यूएसबी और ऑक्स की जगह दी गई है। और यहाँ पे स्टोरेज आपको काफ़ी मिलती है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 कप होल्डर और पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे दी गई है। थोड़ा ऑड सा लगता है यहाँ पे, ये पावर विंडो के बटन्स डोर पे ही होना चाहिए था। यहाँ पे रियर के लिए 12 वोल्ट का चार्जर एंड 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको प्रोवाइड की गई है। आइए चलिए ग्लोव बॉक्स की बात करते हैं। तो ग्लोव बॉक्स इसमें काफ़ी छोटी दी गई है, जो कि कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है, सिंपल ग्लोव बॉक्स है। आइए रियर की ओर देखें तो इसमें सबसे पहले रियर डोर पे पावर विंडो के कंट्रोल्स फैब्रिक इंसर्ट्स में दी गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। और इसमें सिल्वर इंसर्ट्स दी गई है और 1 लीटर का बोतल होल्डर दी गई है। आइए कंफर्ट की बात करें तो रियर सीट्स में काफ़ी वाइड एरिया आपको देखने को मिलता है। रियर सीट्स पे हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलती है फ्रंट सीट की तरह, और इसमें आर्मरेस्ट नहीं दी गई है। अब कर लेते हैं कंफर्ट की बात। इसमें 2680 mm का व्हील बेस होने की वजह से लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और हाइट 1835 mm होने से इसमें हेड रूम की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे सीट्स के पॉकेट्स में आप मैगजीन या सामान रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। अगर रियर सीट से आप फ्रंट की ओर देखते हैं तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह नज़र आता है। बहुत ही शानदार इसका लुक आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। आइए एक नज़र रियर डोर पे डालें। इसमें प्रैक्टिकलिटी के मामले में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। देखिए दोस्तों कितनी स्पेस इसमें दी गई है, शायद ही इस सेगमेंट में किसी भी एसयूवी में ऐसी स्पेस दी गई हो। TUV300 में 5+2 सीटिंग अरेंजमेंट दी गई है, जिसमें आपको बैक के सीट में 2 जंप सीट्स दी गए हैं, जिसमें कम हाइट या बच्चे ही बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। इन जंप सीट को फोल्ड करने पर 384 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ और मेरी हाइट 5'2" है, लेकिन 6 फीट के लोगों को यहाँ पे बैठने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दी गई है चारों ओर। रियर सीट्स में आपको इस तरह का कैबिन लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी ब्राइट है और नाइट के समय आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग कैमरा एंड आइसोफिक चाइल्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू T8 वेरिएंट की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।